धर्म और आस्था की नगरी कही जाने वाली काशी में गंगा नदी की सफाई को लेकर कई सालों से राजनीति में यह चर्चा गरमाई हुई है। इधर राजनीति से इतर प्रशासन और सरकार गंगा नदी की सफाई को लेकर बहुत सारी योजनाएं लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन को लोगों द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं मिलने से आए दिन नदियों में दिन प्रतिदिन कूड़े कचरों का ढेर लगा रहता है, जिससे लोगों और जलीय जीव जंतुओं को खतरा बना हुआ है। लेकिन अब गंगा नदी में कचरा करने वाले लोगों के प्रति नगर निगम अब कड़ा रवैया अपनाने को तैयार हो गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी में कचरा फैलाने वालों पर नगर निगम ने 1,00,000 रुपए तक का कड़ा जुर्माना लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि काशी में पतित पावनी गंगा की नदी की सफाई को लेकर कई वर्षों से सफाई अभियान चल रहा है और स्वच्छता को लेकर 4 STP प्लान भी बनाए गए हैं, जिससे कि गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर उसे गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। इसे देखते हुए गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर नमामि गंगे जैसी कई तरह की योजनाएं चलाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। नगर निगम ने गंगा नदी में गंदगी फैलाने वाले लोगों के लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं। इनके अनुसार गंगा नदी में कपड़े धोने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पूजा की सामग्री सीसा और मूर्तियों जैसी चीजें विसर्जित करने पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंगा नदी में मलमूत्र जैसी गंदगी फैलाने पर 10,000 तक का जुर्माना और गंगा किनारे खुले स्थान पर शौच करने पर 20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और गंगा नदी के किनारे घर व मकान बनाकर रहने वाले लोगों द्वारा घर से निकलने वाले कचरे व नालियों से निकलने वाली पानी प्रवाहित करने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। गंगा नदी के किनारे होटलों व रेस्टोरेंट से बिना ट्रीटमेंट किए गंगा में सीवेज प्रवाह करने पर 1,00,000 रुपए तक के कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देखिए, कई बार से सरकार आग्रह करती आ रही थी कि कोई गंदगी ना करे, लोगों से निवेदन किया जा रहा था। इसी बात को महाकवि तुलसीदास ने कहा है, बिनय न मानती जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। कई बार आग्रह करने के बाद भी लोग अपनी उस वो फैक्ट्री वाले वो लोग नाला गिरा रहे हैं, कहीं कोई कुछ गिरा रहा है, तो ऐसा जब नहीं लोग मानते हैं निवेदन करने पर, तो हमारे भारत में राजा के पास नीतियां होती हैं, उसमें एक दंड नीति भी होती है। उस दंड नीति के तहत ये भारतीय संविधान के तहत बहुत अच्छा कार्य किया गया है। माँ गंगा निर्मल बनी रहे, उसकी अविरलता बनी रहे। निर्मलता और अविरलता के लिए स्वाभाविक है, जिसको हम आचमन करते हैं, जिसको हम स्नान करते हैं सिर से, अगर उसमें कोई मल गिरा रहा है, नाला गिरा रहा है, ऐसे फैक्ट्री वाले ऐसे व्यक्ति, उनको निश्चित जुर्माना लगना चाहिए, जिससे एक भय पैदा होगा समाज में और लोग गंदगी करने से बचेंगे। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का। जिला गंगा सुरक्षा समिति है, उनके द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना है। उसमें गंगा नदी में कपड़ा धोना, साबुन से नहाना, ये सब भी जुर्माने की परिधि में है, जिसमें 5,000 से 25,000 रुपये तक जुर्माना है। इसके अलावा जो गंगा घाटों पे ढेर सारा पूजा सामग्री वगैरह लोग विसर्जित करते हैं, उसमें मूर्तियाँ प्रतिमाएँ, यहाँ तक कि ग्लास में मढ़ाई हुई चित्र भी जो है उसमें फेंक देते हैं, जो कई बार वहाँ स्नानार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनको चुभ जाता है, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उनको 10,000 रुपये जुर्माना इस लोग पकड़े जाएंगे। हालांकि घाटों पर विसर्जन कलश भी रखवा दिए गए हैं कि लोग विसर्जन कलश में डालें और उसका उपयुक्त तरीके से निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके अलावा मूत्र विसर्जन, मूत्र त्याग करने पर घाटों के आसपास या खुले में 1,000 रुपये जुर्माना, शौच पर 2,000 रुपये जुर्माना, और भवन स्वामी द्वारा अपने घर का ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर, जो सीवर और या किचन का नालियों के माध्यम से बहाया जाता है, उस पर 25,000 जुर्माना लगाया गया। और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके द्वारा इस तरह का अगर उत्प्रवाह कोई सीधे गंगा जल नदी में बिना ट्रीटमेंट सिस्टम के डाला जाता है, तो उस पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना। बहुत से डिपार्टमेंट हैं नगर निगम के, जो अपने हमारे सफाई निरीक्षक हैं वो तो है ही हैं, पर्यटन विभाग है, पर्यावरण प्रदूषण विभाग है, जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, ये तमाम विभाग हैं, वन विभाग है, इस सबको जुर्माना लगाने की शक्तियाँ मिली हुई हैं और सब लोग इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए जुर्माने की बुकलेट भी छपी हुई है।
ये जुर्माने की बुकलेट है जिसमें ये स्लैब भी दिया गया, ये जो हम मैं बता रहा था वो स्लैब भी इसमें दिया गया जुर्माने का। ये है जो भी यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, जो हमारे नागरिक हैं यहाँ के और जो घाटों के आसपास रहने वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं, सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि गंगा को शुद्ध और निर्मल रखने के लिए अपने तरह से पूरा सहयोग करें और इस तरह की गतिविधियाँ जिस पर दंडात्मक व्यवस्था की गई है उस तरह की वहाँ न होने दें और न करें।